never miss another update. नमस्कार, मैं हूं शिक्षक चौपाल उम्मीद की मशाल। चौपाल संवाद टीवी में आपका स्वागत है। हमने नई और सच्ची खबरें सबसे पहले आप तक हमेशा लाते हैं। आपसे निवेदन है कि विस्तृत खबर के लिए पूरा वीडियो देखें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें, ताकि सारी अपडेट्स आपको समय पर मिलता रहे। चौपाल संवाद आपको रखता है हर खबर से अपडेट, तो आइए जानते हैं आज की खबरें विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, 10 मई 1857 वह दिन था जब अंग्रेजों ने भारत के पहले स्वतंत्रता आंदोलन को कुचल कर रख दिया था। सालों बाद 10 मई का ही दिन है जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हम लोगों के सपनों और उम्मीदों को कुचल कर रखने की अनुमति दे दी है। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश संयोजक सह एमएलसी प्रत्याशी श्री प्रणय कुमार ने कहा कि बिहार के तमाम 0.375 लाख शिक्षक SWSP के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हतप्रभ था। किसी ने भी ऐसी उम्मीद नहीं लगाई थी, लेकिन अचानक ऐसा फैसला आना जिसमें 1% भी हम शिक्षकों की हार का उम्मीद नहीं था। वैसे परिस्थिति में सरकार का SLP एक्सेप्ट हो जाना समझ से परे है। यह प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद देखने को मिली है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिहार हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने का प्रावधान किया गया था। दरअसल बिहार के स्कूलों में तैनात नियोजित शिक्षक काम के आधार पर शिक्षक को जितना वेतन की मांग बीते 10 सालों से कर रहे हैं, बीते साल उनकी मांग पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2018 का फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुजफ्फरपुर के ही मड़वन प्रखंड के शिक्षक सह परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ बिहार के प्रदेश प्रधान सचिव जमील अहमद विद्रोही बताते हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सुनवाई में इस तरह का साथ दिया था कि हमें ऐसा लगता था कि वे हमारे वकीलों से भी ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। वे राज्य सरकार के वकीलों से पूछते थे कि आप लोग एक चपरासी से कम पैसा शिक्षकों को कैसे दे सकते हैं, शिक्षक पढ़ाने के लिए है या कोर्ट कचहरी दौड़ने के लिए। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने हम सबके समस्याओं के हल का फैसला क्यों नहीं दिया, ये समझ नहीं पा रहा हूँ। वही प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी मुकेश गुप्ता कहते हैं, एक समान काम के लिए समान वेतन हमारा संवैधानिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोगों के अधिकार की मांग को नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में समान काम के बदले में समान वेतन लागू करा चुका है। ऐसी स्थिति में निराशा के अलावा अभी हम लोग कर ही क्या सकते हैं। बिहार में 2003 से सरकारी स्कूलों में शिक्षा मित्र रखे जाने का फैसला किया गया था। उस वक्त में 10वीं और 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर इन शिक्षकों को 11 महीने के अनुबंध पर रखा गया था। इन्हें मासिक 1500 रुपये का वेतन दिया जा रहा था। फिर धीरे धीरे उनका अनुबंध भी बढ़ता रहा और उनकी आमदनी भी बढ़ती रही। 2006 में इन शिक्षा मित्रों को नियोजित शिक्षक के तौर पर मान्यता मिली। मौजूदा समय में नियोजित शिक्षकों में प्राइमरी टीचरों को 18,000 से 25,000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, वहीं माध्यमिक शिक्षकों को 20 से 29,000 रुपये मिलते हैं, हाई स्कूलों के ऐसे शिक्षकों को 22 से 30,000 रुपये मिलते हैं। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ बिहार के मुताबिक बिहार में मौजूदा समय में 3,75,000 नियोजित शिक्षक हैं, जिन्हें अपने काम के हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा है। इनमें 2011 में शिक्षा के अधिकार के तहत राज्य स्तरीय परीक्षा के बाद तैनात किए गए करीब 80,000 शिक्षक भी शामिल हैं, जिन्हें भी नियुक्ति के बदले नियोजित ही किया गया था। इन शिक्षकों की तुलना में नियमित शिक्षकों का वेतन 60 से 70 हजार रुपये के करीब है। शिक्षिका मीना कुमारी का मानना है कि नियोजित शिक्षक बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड में तैनात एक अन्य शिक्षक अब्दुल कुद्दुस बताते हैं, बिहार सरकार बंधुआ मजदूरों की तरह काम ले रही है, हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन हमारा हक नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने काफी पैसा खर्च किया, इसलिए हम लोग काफी आहत हैं। सपना कुमारी अररिया के मध्य विद्यालय चकला में शिक्षिका हैं, वो कहती हैं, मासिक नुकसान तो हो ले रहा है, हमारा दिसंबर 2009 से एरिया भी मिलना था, वह एरिया भी एक एक शिक्षक का 15 से 20 लाख रुपया बन रहा था। बिहार के कुछ शिक्षकों ने 2009 से बिहार में अपनी लड़ाई समान वेतन पाने के लिए शुरू की थी, लेकिन सही मायने में लड़ाई 2013 से शुरू हुई थी। इस प्रकार चरणों की लड़ाई के बाद शिक्षकों के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला आया था। इस केस में लगातार मुख्य याचिकाकर्ता एमरोज श्री उपेंद्र राय का रहा, क्योंकि केस जरूर 2009 से था, किंतु उस केस में जान फूंकने का काम श्री उपेंद्र राय जी ने ही की थी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के प्रांत अध्यक्ष रजनीश कुमार कहते हैं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इतना अंतर तो अमूमन होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो 145 पन्नों का फैसला है, उसे देखना होगा, लेकिन जो बात उभर कर सामने आ रही है वह संदेहास्पद है। ऐसा लगता है कि न्यायपालिका भी कार्यपालिका से प्रभावित हो रही है। मुख्य याचिकाकर्ता सह बिहार शिक्षक समिति के प्रदेश संयोजक श्री उपेंद्र राय कहते हैं कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा 31 अक्टूबर 2017 को हम लोगों के पक्ष में फैसला आया था, जिसके खिलाफ बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी थी। शिक्षक संघों ने इस SLP के खिलाफ कैवियट दायर की थी, जिसमें हमारे पक्ष में फैसला नहीं हुआ। इसके पीछे का तर्क उन्होंने दिया कि 108 रेस्पोंडेंट सम्मिलित थे और सभी अपने अपने ग्रुप की पैरवी कर रहे थे, जबकि हमें सिर्फ और सिर्फ पटना के जजमेंट को लागू कराने और जोर देना चाहिए था। शिवहर के एक शिक्षक सह PSM के कोषाध्यक्ष अशोक कुमार के मुताबिक इस पूरे मामले में बिहार की नीतीश कुमार सरकार की भूमिका ने उन्हें सबसे ज्यादा निराश किया है। रंजीत कुमार कहते हैं, हाईकोर्ट ने तो हम लोगों के पक्ष में फैसला दिया ही था, नीतीश कुमार की सरकार ही उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। भोजपुर जिले के नंद किशोर सिंह कहते हैं, ये करीब 4.25 लाख शिक्षकों का ही मामला नहीं है, बल्कि यह 4.25 लाख परिवारों का सवाल है। बिहार सरकार इस मामले में संसाधनों की कमी का हवाला देती आई है, जिस पर शिक्षक सह महासंघ के गोपालगंज जिला महासचिव कहते हैं, ये सब बहाना है, बताइए एक नेता एक दिन के लिए भी चुनाव जीत जाए तो जीवन पर पेंशन पाते हैं, हम लोग जीवन भर काम करते रहे तो पेंशन छोड़िए, हमारा अपना पैसा सरकार नहीं देना चाहती है। शिक्षकों की नाराजगी पर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन कहते हैं, शिक्षकों को ये भी देखना चाहिए कि नीतीश कुमार की सरकार ने ही बेरोजगारी के दलदल से निकालकर इन्हें रोजगार दिया है। सीमित संसाधनों के बावजूद भी समय समय उनका मानदेय बढ़ाया जाता रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वह सभी पक्षों को मान्य होना चाहिए। राजीव रंजन भी समझते हैं कि चुनाव का वक्त है और इसका नुकसान उनकी पार्टी और गठबंधन को हो सकता है, लिहाजा इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा बात करने से बच रहे हैं। मोटे तौर पर आंकलन है कि अगर बिहार सरकार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लेती तो उसे इन शिक्षकों के मत के लिए सालाना 1000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता। शिक्षकों की मांग है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि शिक्षकों को लगता है कि अभी भी शिक्षा के कई क्षेत्रों का बजट पूरा खर्च नहीं हो पाता और शिक्षा के क्षेत्र में बजट भी बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन शिक्षकों के सामने आगे का रास्ता क्या होगा। बिहार में शिक्षकों के एक दूसरे संघ शिक्षक संघ के अध्यक्ष माकिंदेय पाठक कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हम हारे जरूर हैं, लेकिन हमारा मनोबल टूटा नहीं है। हम सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे और नीतीश कुमार की सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे। उल्लेखनीय है कि मौजूदा नियोजित शिक्षकों को जो वेतन मिल रहा है वह भी इन शिक्षकों ने 41 दिनों के हड़ताल के बाद हासिल किया था। 2015 विधानसभा चुनाव से पहले इन शिक्षकों राज्य के 74,000 स्कूलों में तालाबंदी कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने एक नई तरह के वेतनमान निर्धारित कर इन लोगों का वेतन बढ़ाया था। मौजूदा शिक्षकों को लग रहा है कि राज्य सरकार ने तब भी इनके साथ छल किया था और आज भी कर रही है। संघर्ष के अलावा इस मुद्दे पर बिहार के शिक्षक संघ कानूनी विकल्पों पर विचार तो कर रहे हैं और उनके सामने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की रूपरेखा पर काम कर रहे हैं, लेकिन आम शिक्षकों में उबाल देखने को मिल रहा है। आम शिक्षक सभी संघों को हर हाल में एक मंच पर लाना चाह रहे हैं। कई जिलों में विभिन्न संघों की संयुक्त बैठक का भी आयोजन किया जा रहा है। कुछ नेता की अहम भावना की वजह से एक जगह नहीं आना चाहते हैं, लेकिन इस बार शिक्षक उन्हें एक जगह बैठा कर ही मानेगी। वहीं NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों के नाम एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि शिक्षकों को सत्याग्रह के रास्ते पर चलना होगा, तब जाकर इंसाफ मिल पाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इसे WhatsApp, Facebook, Twitter पर जरूर शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए आर्टिकल और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चौपाल संवाद के वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।